हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुस्लिम लीग नवाज को भी मुफाहमती सियासत की याद सताने लगी। मुश्किल हालात से पार्टी को निकालने और अहम आईनी और कानूनी तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए वजीर आजम को टास्क मिल गया। अवामी राबता मुहिम भी शुरू करने का फैसला। नवाज शरीफ का कहना है कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को अहम कौमी उमूर पर एतमाद में लिया जाए। जो लोग कबल वक्त इंतखाबात की बात करते हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, इसलिए नहीं हो सकते कि मर्दम शुमारी हो गई है। कबल वक्त इलेक्शन की बात करने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं, साद रफीक की तनकीद। ये भी कहा कि फारूक सत्तार और मुस्तफा कमाल के इल्जाम इंतहाई संजीदा हैं, तहकीकात होनी चाहिए। लगा लाहौर हाई कोर्ट ने इत्तेफाक टेक्सटाइल मिल्स 15 दिसंबर को नीलाम करने का हुक्म दे दिया। हुक्म कर्ज की अदम अदायगी पर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा की हुदैबिया पेपर्स मिल्स केस खोलने से मुतालिक नैब की दरख्वास्त सुनने से माजरत, बेंच टूट गया, समाद गैर मुयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। शायद रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मेरा पैनामा फैसला नहीं पढ़ा। अपने फैसले में हुदैबिया पेपर्स मिल केस खोलने का हुक्म दिया था, जस्टिस आसिफ सईद खोसा की वजाहत। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मुश्तरका मफदात काउंसिल का इजलास, चारों वज़राए आला भी इजलास में शरीक। मर्दम शुमारी के हवाले से नई हल्का बंदियों पर मुशावरत, मुश्तरका मफदात काउंसिल से साफदार फारिग एहसन इकबाल को शामिल कर लिया गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास बुध को तलब कर लिया। इंतखाबी हल्का बंदियों के हवाले से आईनी तरामीम पर गौर होगा। सरजमीन से पाकिस्तानी इलाके पर दहशत गर्दों का हमला, पाक फौज के कैप्टन जुनैद और सिपाही रहम शहीद, चार जवान जख्मी हो गए। जवाबी कार्रवाई में 8 से 10 जंगजुओं की हलाकत की इत्तला। पाक फौज का सरहद पार अफगान हदूद में निगरानी का मौसर निजाम जल्द कायम करने का मुतालबा। और ये जो MQM और PSP ने किया है उसने जवाब देना है, उन्होंने बड़े सीरियस इल्जामात लगाए हैं अब एक दूसरे पे। कराची में जो कुछ हुआ वो शहर की आवाम की तजलील है। MQM पाकिस्तान और PSP को एक दूसरे के इल्जामात का जवाब देना चाहिए। बिलावल भुट्टो का मौकिफ, कहा इमरान खान को डर है इलेक्शन वक्त पर हुए तो वो हार जाएंगे। नहीं चलता किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। ग्लासेस की जरूरत हो तो मैं कोई आराम इंतजाम करा दूं। सिंध असेंबली बना फिर मछली बाजार, ओपोजिशन डिप्टी स्पीकर के रवैये पर नाला, शैला रजा के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने पर गौर। तलबा यूनियंस की बहाली के लिए करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली अली रजा अब्दी ने अपना इस्तीफा स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया, कहा सियासी और जाती वजूहात की बिना पर कौमी असम्बली की रुकनियत छोड़ रहा। नफरत तो हमने पहले भी नहीं दिखाई है और लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी कोई नहीं है। अगर वो मुझे कन्विंस कर लेंगे कि हाँ उनकी बात में कोई वजन,
तो मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा, उनकी बात मान लूंगा। मुस्तफा कमाल कहते हैं कि किसी को खौफ दिलाकर पार्टी में शामिल नहीं कर रहे, सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी में तब्दील नहीं करना। वाज़े कर दिया कि एमक्यूएम पाकिस्तान से दोबारा राबता नहीं हुआ। ओछे हथकंडों में आ गए हैं नून लीग वाले, वो जजेस और फौज की किरदार कुशी कर रहे हैं। तो ये सारे केसेस नवाज शरीफ के लिए, उसकी सियासत के मुस्तकबिल का फैसला करने के लिए काफी हैं। नून लीग ओछे हथकंडों पर उतर आई, जजेस और फौज की किरदार कुशी की जा रही है, शेख रशीद का इल्जाम। हुदैबिया केस का फैसला 2 माह के अंदर होने की पेशगोई कर दी। फैजाबाद में तहरीक लबैक पाकिस्तान के धरने से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना, आमदोरफ्त अवाम के लिए अजाब बन गई। कराची के इलाके मोमिनाबाद में पुलिस एहलकारों की मुबैना फायरिंग से 12 साल लड़का जां बहक, इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज, चारों एहलकारों को हिरासत में ले लिया। ईरान इराक सरहद पर जलजले से जांबहक अफराद की तादाद 400 से बढ़ गई, 5000 से ज्यादा अफराद जख्मी। जलजला मशरक वस्ता के दीगर ममालिक में भी महसूस किया गया। बलोचिस्तान में मौसम सरमा की पहली बारिश और जालाबारी, कराची और सिंध के दीगर मकामात पर आज रिमझिम की पेशगोई। कल से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान, स्मॉग से निजात मिल जाएगी। दुबई में एयर शो का दूसरा रोज पाक फिजाइया का दस्ता भी शरीक, पाकिस्तान के JF-17 और मशाक तैयारे खुसूसी तवज्जो का मरकज। लबनान के मुस्ताफी वजीर आजम साद अल हरारी ने वतन वापसी का ऐलान कर दिया, कहा अपने तहफ्फुज़ के खातिर इस्तीफा दिया, अगले चंद रोज में सऊदी अरब से वापस लबनान लौट जाऊंगा जहाँ आईनी तरीके से इस्तीफा दूंगा। लॉन्ग ड्राइव का मजा दोस्तों के साथ, सरफराज अहमद, वहाब रियाज और बाबर आजम ने लाहौर से इस्लामाबाद ड्राइव का खूब लुत्फ उठाया। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद, मैं हूं किरण बिस्वे और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको अहम खबर देंगे इस्लामाबाद से, जहां वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में मुश्तरका मफदात काउंसिल का इजलास जारी है। इस इजलास में 6वीं कौमी मर्दमशुमारी के उबूरी नतायज की बुनियाद पर आम इंतखाबात कराने के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी दी गई है। आईनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने आईनी तरमीम की मशरूत हिमायत कर दी है, उनका कहना था कि मर्दमशुमारी के 1% ब्लॉक्स की तीसरे फरीक से तस्दीक कराई जाए, तमाम ब्लॉक्स के आदाद शुमार जल्द आम किए जाएं। मुराद अली शाह ने यह भी कहा कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन को मुलतवी नहीं होने देगी। तो आपको अहम खबर दे रहे हैं इस्लामाबाद से, वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में मुश्तरका मफदात काउंसिल का इजलास जारी है और इस इजलास में 6वीं कौमी मर्दमशुमारी के उबूरी नतायज की बुनियाद पर आम इंतखाबात कराने के लिए आईनी तरमीम की मंजूरी दी गई है। आईनी तरमीम का बिल कौमी असेंबली के आइंदे इजलास में पेश किया जाएगा।
यहाँ आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नवाज को भी मफाहमती सियासत की याद सताने लगी। मुश्किल हालात से पार्टी को निकालने और अहम आइन व कानूनी तरामीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को टास्क दे दिया। नवाज शरीफ का कहना है कि पीपल्स पार्टी समेत तमाम इत्तेहादी जमातों को अहम कौमी उमूर पर एतमाद में लिया जाए। नून लीग ने मुखालफीन को जवाब देने के लिए सड़कों पर आने का फैसला भी किया है। मसाइल के भंवर में फंसी लीगी किश्ती को मुश्किलात से निकालने के लिए सड़कों पर आने का फैसला। मुस्लिम लीग नून ने अवामी इज्तमाअत के जरिए से मुखालफीन को भरपूर जवाब देने की ठान ली। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक में पार्टी के मुस्तकबिल से मुतालिक फैसलों को हतमी शक्ल दी गई। सबसे पहले इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। इंतखाबी इस्लाहात, नैब कवानीन और नई हलका बंदियों से मुतालिक कानून साजी के लिए पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाएगा। इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए साद रफीक ने फिर बर वक्त इलेक्शन का मौकिफ दोहराया। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग है, उसके नतीज का इंतजार करना चाहिए और हमें उम्मीद है कि वहाँ ये मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा और इंशाल्लाह हल हो गया तो फिर इंतखाबात के बरवक्त इनकाद के रास्ते में कोई कानूनी या आईनी रुकावट नहीं होगी। उन्होंने कबल अज वक्त इलेक्शन के मुतालबे को सेनेट इंतखाबात रुकवाने की साजिश करार दिया। कबल अज वक्त इंतखाबात हो ही नहीं सकते, यानी अगर कोई कराना भी चाहे तब भी नहीं हो सकते। इसलिए नहीं हो सकते कि मर्दमशुमारी हो गई है। इसके बाद आपको आईनी तरमीम करनी है और नई हलका बंदियाँ करनी है जिनके लिए चंद माह दरकार है, तो टेन्योर भी चंद माह का है। मुशावरती इजलास में वजीर आजम शाहिद खाकान, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक, गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना और दीगर कायदीन शरीक थे। उधर शरीफ खानदान के गिर शिकंजा कसने लगा। लाहौर हाईकोर्ट ने इतफाक टेक्सटाइल मिल्स 15 दिसंबर को नीलाम करने का हुक्म दे दिया। शरीफ खानदान की मुश्किलात में एक और इजाफा। बैंक को कर्ज की अदम अदायगी पर अदालत का बड़ा एक्शन। इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स 15 दिसंबर को नीलाम करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने निजी बैंक की दरख्वास्त पर समाअत की। बैंक का मौकफ है कि नवाज शरीफ के रिश्तेदारों ने कर्ज लेकर इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स को गिरवी रखवाया, तहम कर्ज वापस नहीं किया गया, जिस पर इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स को साल 2000 में डिफॉल्टर करार दिया गया था। मिल्स के खिलाफ 2016 में 25,33,64,000 की डिग्री भी जारी हो चुकी है, लेकिन बकाया 11,95,000 की रकम अदा नहीं की जा रही। निजी बैंक की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स 15 दिसंबर को नीलाम करने का हुक्म दे दिया। अब आपको एक अहम खबर दें कि हल्का बंदियों के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पर आ गई है। मुश्तरका मफदात काउंसिल के आज के इजलास में दोनों जमातों में हल्का बंदियों पर इत्तेफाक हो गया है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में इस बात की तस्दीक भी कर दी। सीसीआई में वैसे क्या यह फैसला हो गया कि पीपल्स पार्टी आपके साथ है? पीपल्स पार्टी तो बिल्कुल हमारे साथ नहीं है, लेकिन अगर आप वो पूछ रहे हैं कि वो आइन के बिल पे मेरे ख्याल से वो इत्तेफाक हो गया। हुदैबिया पेपर मिल केस दोबारा खोलने की दरख्वास्त पर समाअत का बेंच टूट गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने दरख्वास्त सुनने से मुआखज़ा कर ली। कहते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस ने शायद फैसला नहीं पढ़ा, समाअत मुकर्रर करके गलती की गई। हुदैबिया पेपर मिल्स केस खुलने से मुतालिक मामला तातुल का शिकार हो गया। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने दरख्वास्त की समाअत से इनकार कर दिया। जस्टिस खोसा की माजरत के बाद न सिर्फ 3 रुकनी बेंच टूट गया बल्कि शरीफ खानदान पर मंडलाता खतरा भी टल गया। जस्टिस खोसा का कहना है कि इस केस पर पानामा फैसले के दौरान वो अपनी ऑब्जर्वेशन दे चुके हैं। उन्होंने ही पानामा पेपर्स के फैसले में केस खुलने से मुतालिक अहकाम दिए, नैब को कार्रवाई का कहा। 20 अप्रैल को फैसले में हुदैबिया रेफरेंस पर 14 पैराग्राफ लिखे। अपनी इस वाज़ेह राय के बाद वो इस केस को नहीं सुन सकते। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस ने शायद फैसला नहीं पढ़ा, समाअत मुकर्रर करके गलती की गई। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की माजरत के बाद केस दोबारा खुलने की दरख्वास्त गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी हो गई।
रुख करेंगे सिंध असेंबली का, जहां शोर शराबा ओपोजिशन जमातों का एहतजाज और वॉकआउट मामूल बन गया है। डिप्टी स्पीकर के तल्ख रवैये के खिलाफ ओपोजिशन अरकीन ने शैला रजा के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर शुरू कर दिया है। खावर हुसैन मजीद बताएंगे। पता ही नहीं चलता किसके पास कौन सी मिनिस्ट्री है। ग्लासेस की जरूरत हो तो मैं कोई आराम इंतजाम करा दूं। सिंध असेंबली का इजलास हस्बे रिवायत सवा घंटे ताखीर से शुरू हुआ। स्पीकर साहबा, तो ये इजलास चल नहीं सकेगा। मैं अभी चला के दिखाती हूँ आपको। कॉल अटेंशन, एज़ शी इज़ थ्रेटनिंग, नाउ आई मूव द नेक्स्ट कॉल अटेंशन। इजलास के दौरान डिप्टी स्पीकर और नुसरत सहर अब्बासी में फिर नोक झोंक चलती रही। बहुत बड़ा ये नुकसान हो रहा है कि 2013 के सवालात के जवाब अब मिनिस्टर मुझे 2017 में देंगे। अफसोस की बात है, इस चीज पर मैं वॉकआउट करती हूँ। पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुलसत्तार राजपर ने तलबा यूनियंस की बहाली के लिए करारदाद पेश की, जिसे मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। तहम अराकीन ने तलबा यूनियन के लिए जाब्ता अखलाक मुरतब करने का भी मुतालबा किया। स्टूडेंट्स यूनियन आर द फोरम ऑफ देयर स्टूडेंट्स कैन राइज वॉइस ऑफ देयर एकेडमिक राइट्स इन द इफेक्टिव मैनर। ये आपके मुल्क के आने वाले सियासतदानों को परवान चढ़ाती हैं, उनकी तरबियत करती हैं, उन्हें नजरिए की सियासत का कुछ इल्म सिखाती हैं। अब ये करारदाद आई है, हम इसकी हिमायत करते हैं। तरीकाकार तय करें, तलबा यूनियनों को कायदे में जाब्ते में लाकर बहाल करें, डी पोलिटिसाइज करें, इसको डी एथनिसिटी करें, डी एवरीथिंग कर दें। इश्यूज पे इनको आई थिंक यू विल हैव टू मेक देम फोकस ऑन द इश्यूज ओनली। अपोजिशन अराकीन ने शहला रजा के रवैये से तंग आकर उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर शुरू कर दिया है। अराकीन कहते हैं कि डिप्टी स्पीकर के आमिराना रवैये को रिकॉर्ड पर लाएंगे। दीगर खबरें शामिल करते हैं। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 8 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में कैप्टन जुनैद हफीज और सिपाही रहम शहीद, जबकि 4 जवान जख्मी हो गए। पाक फौज ने अफगान हुकूमत से सरहद पार निगरानी का मौसर निज़ाम कायम करने और दहशतगर्दों की पनागाहें खत्म करने का मुतालबा किया है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए मुतादिद दहशतगर्दों को मौत के घाट उतार दिया। तर्जमान पाक फौज के मुताबिक दहशतगर्दी का वाकया बाजोड़ एजेंसी में पाक अफगान सरहद पर रोनमा हुआ। अफगान हुदूद में काबुल हुकूमत की अमलदारी ना होने की वजह से दहशतगर्दों को ऐसी साजिश करने का मौका मिल जाता है। गुज़श्ता हफ्ते भी खैबर एजेंसी से मुल्हिका अफगान सरहदी इलाके से दहशतगर्दों ने वादी राजगाल में पाक फौज की चौकियों को निशाना बनाया था। इस वाके में 5 दहशतगर्द मारे गए थे, जबकि 1 फौजी शहीद हुआ। मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ने निज़ाम ज़िंदगी को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। किस मकाम पर हद निगाह कितनी है, ये जानेंगे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदों से। तो सबसे पहले चलेंगे लाहौर, जहां हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से शेखपुरा तक की सूरत हाल बताएंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे मुइन ज़ुबैर। मुइन बताइएगा, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में इन दिनों फोग और स्मोक काफ़ी ज़्यादा पड़ रही है। इस वक्त जो है वो शहर के अंदर की अगर बात करें तो फोग इतनी ज़्यादा नहीं पड़ रही, लेकिन स्मोक की वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और काफ़ी सेहत के मसाइल पैदा हो रहे हैं। फोग की जो सूरत हाल है वो कदरे बेहतर होने की वजह से लोग दूसरे शहरों की जानिब जो है अभी से सफ़र करना शुरू कर रहे हैं। और इस वक्त भी मैं बाबू साहब इंटरचेंज पर ही खड़ा हूँ, जहाँ पर विजिबिलिटी बेहतर होने की वजह से मोटरवे पुलिस की जानिब से लोगों को इजाज़त दी जा रही है कि वो मोटरवे को इस्तेमाल करके दीगर शहरों की जानिब जो है वो रवा दवा हो सकें। मोटरवे पुलिस का ये कहना है कि रात 12 बजे के करीब, क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल सिफर हो जाती है, इसलिए लोगों को 12 बजे के बाद जो है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बाबू साहब इंटरचेंज से लेकर कोर्ट अब्दुल मालिक तक मोटरवे पुलिस जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर खड़ी है और लोगों को इस हवाले से गाइड भी कर रही है। शेखपुरा में मौजूद आज न्यूज़ के नुमाइंदे मौसम रिजवी से फोग और स्मोक की सूरत हाल के हवाले से मज़ीद जानते हैं।
जी बिल्कुल, शेखुपुरा और इसके गिरदोनुमा में धुंध और स्मोक का राज है, जिसकी वजह से कारोबारी तबका मफलूज होकर रह गया है, जबकि दूसरी तरफ मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक का निज़ाम धर्म बरम हो गया है। शेखपुरा मोटरवे तक पिंडी भटियां तक कुछ देर बाद हद नगाह सिफर होने की वजह से बंद कर दी जाएगी। अभी मेरी मोटरवे हुकाम से बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते के दौरान स्मोग और धुंध की वजह से मुतअद्दिद हादसात हो चुके हैं, लेकिन फोग लाइट्स के इस्तेमाल को ज़रूरी करार दिया है और गाड़ियों को मुनासिब रफ्तार में एक लेन में चलने की हदायत जारी की है। अब हम फैसलाबाद में स्मोग और धुंध की सूरत हाल जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम शहजाद से। जी, फैसलाबाद और इसके इर्द गिर्द के इलाकों में धुंध की शिद्दत में जो है वो इजाफा होना शुरू हो गया है। अलबत्ता अगर जो है फैसलाबाद शहर में तो धुंध जो है वो कम है और देखने की जो सलाहियत है वो 40 से 50 मीटर तक है, लेकिन जो दूर दराज के इलाके हैं, जो खुले एरियाज हैं, एक्सप्रेस वे है, मोटरवे है, वहाँ पर अभी धुंध जो है वो ज्यादा है और देखने की सलाहियत जो है वो 20 से 30 मीटर तक जो है वो रह गई है। लेकिन फैसलाबाद शहर में जो है और इसके जो इर्द गिर्द के जो इलाके हैं वहाँ पर अभी धुंध जो है वो कम है, लेकिन जो जो वक्त गुजर रहा है इसकी शिद्दत में भी इजाफा होता जा रहा है। ये थी सूरत हाल फैसलाबाद की। अब रुख करते हैं पिशावर का, वहाँ देखते हैं कि धुंध और स्मोक की क्या सूरत हाल है। जी जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में भी धुंध का राज है और इस वक्त इसी हवाले से हम मोटरवे टूल प्लाजा पर मौजूद हैं, जहां पर मोटरवे हुकाम के मुताबिक इस वक्त धुंध जो है वो कदरे कम है, जिसके बायस ट्रैफिक जो है वो यहां पर रवा दवा है। तहम मोटरवे हुकाम का कहना यह है कि जैसे जैसे रात बढ़ती जाएगी धुंध की शिद्दत में इजाफा होता जाएगा और अगर धुंध विजिबिलिटी जो है वो जीरो सिफर तक पहुँच गई तो उस वक्त ट्रैफिक को बंद कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रात भी 12 बजे के करीब मोटरवे टूल प्लाजा मोटरवे को बंद कर दिया गया था, जो कि सुबह 8 बजे तक बंद रही थी और उसके बाद इसको दोबारा से ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। तो हम आज भी यही उम्मीद की जा रही है महकमे मौसमियात की जानिब से कि रात गए जो है वो धुंध की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा और उसके बाद मोटरवे को बंद करना ज़रूरी होगा। दूसरी तरफ मोटरवे हुकाम की जानिब से ज़रूरी हिदायत जो हैं वो भी जारी की गई हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि फोग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर किया जाए और दूसरे अगर खुदा न खासा किसी किस्म की कोई एमरजेंसी हो जाती है तो 130 पर कॉल कर सकते हैं। जी, बात शहर कायद की, जहां आज रात से हल्की बारिश का इम्कान है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात का कहना है कि बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। मुल्क भर में मौसम सरमा की पहली बारिश, बादल खूब गरजे भी और बरसे भी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों खैरपुर, लाड़काना, सक्कर और गिरदोनवा में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों कलात, सिब्बी, जोब, जियारत, चागी, पशीन और मकरान डिवीजन में सुबह से गरज चमक के साथ बारिश और झालाबारी का सिलसिला जारी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट अब्दुल रशीद का कहना है कि कराची में बादल कम लेकिन पंजाब और केपीके में खुलकर बरसेंगे। ये हमारे बलोचिस्तान के शिमाल मगरबी इलाके जो है वहाँ ज़्यादा बारिश देगा, केपीके में अच्छी बारिश देगा, अपर पंजाब में अच्छी बारिश देगा। कराची को इसका निचला पोर्शन से वो छूता हुआ गुजरेगा, तो सिर्फ हम लाइट रेन डीजल हमने दी है, यानी हल्की फुहार बूंदाबांदी जिसे आप कहते हैं, वो भी आज की रात में। जबकि गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरावाला में भी बारिश मुतवक्के है। वेलकम बैक। अब बात करेंगे पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल की, जिनका कहना है कि एमक्यूएम से दोबारा कोई राबता नहीं हुआ, हमारे खिलाफ बात करने वाले अपने गिरेबान में झांकें। उन्होंने कहा कि हम जबान और नस्ल की सियासत नहीं कर रहे। तीस सालों से ऑपरेशन चल रहा था, आप इस मैनेज को ख़त्म नहीं कर सके थे। हमने अल्लाह का शुक्र है कि लोगों के दिलों पे और दिमाग पे काम करके इस मैनेज को ख़त्म किया। हमें मुंतखब करेंगे, हमें असेंबलियों में भेजेंगे तो वो देखेंगे।
उनको अपने मसाइल का हल दिनों शबो रोज में फर्क नजर आएगा। हम बैठ कर असेंबलियों में या टीवी पे बैठ कर मीडिया के सामने अपने पास इख्तियारात ना होने का रोना नहीं रोएंगे, पर हम काम नहीं कर पाएंगे, सेकंड नहीं लगाएंगे लो इस्तीफे देने में। पूरे पाकिस्तान में लड़ेंगे, सिंध में डेफिनेटली हमारा जो है वो फोकस ज्यादा है। अगर वो मुझे कन्विंस कर लेंगे कि हाँ उनकी बात में कोई वजन, तो मैं अपनी बात से पीछे हट जाऊंगा, उनकी बात मान लूंगा। उधर एमक्यू पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली अली रजा आब्दी ने अपना इस्तीफा स्पीकर अयाज सादिक को भिजवा दिया है। तर्जुमान एमक्यूएम ने अली रजा आब्दी के फैसले को जज्बाती करार देते हुए कहा है कि जल्द गलतफहमियां दूर और इस्तीफा वापस हो जाएगा। अली रजा ने इस्तीफे की वजह सियासी और ज़ाती करार दिया। दूसरी जानब तर्जुमान एमक्यूएम पाकिस्तान के मुताबिक अली रजा आब्दी पार्टी के सीनियर और मुखलिस रुकन हैं। वो 22 अगस्त के बाद से पार्टी के साथ खड़े हैं। जल्द उनकी गलतफहमियों को दूर कर दिया जाएगा। उधर बिलावल भुट्टो जरदारी ने नून लीग को नाकाम लीग करार दे दिया है। कहते हैं कि पीपल्स पार्टी का हमेशा मौकिफ है कि सियासत में एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत नहीं होनी चाहिए, हुकूमत हर इशू में नाकाम हो चुकी है। इमरान खान को डर है कि बरवक्त इंतखाबात हुए तो वो हार जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी लाहौर में अपने कारकुन की वफात पर ताजियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं होना चाहिए सियासत में। ये जो एमक्यूएम और पीएसपी ने किया है उसने जवाब देना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से जीतेंगे, जहां इनका हुकूमत इतने देर से रहा है, तो बाकी मुल्क का क्या हाल होगा। सेंसस इशू हो, इस्लामाबाद की सड़कें हो, मईशत हो, नाकाम लीग बिल्कुल नाकाम ही रहा है। 2018 का इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा। साहब का जल्दी मुझे पता नहीं है, शायद वो डर रहा है कि अगर इलेक्शन वाकफे हो तो वो हार जाएंगे। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि परवेज मुशर्रफ भगोड़ा है, उन्हें हथकड़ियों से बांध कर पाकिस्तान लाया जाएगा। मुशर्रफ पर गद्दारी समेत बेनजीर भुट्टो के कत्ल के इल्जाम हैं। साबिक सदर को हर सूरत कानून का सामना करना होगा। परवेज मुशर्रफ साहब एक अब्सकॉन्डर है, उसने बिल्कुल वापस आना है, हैंडकफ्स में वापस आना है और कोर्ट में पेश होना है। के खिलाफ ट्रीजन केसेस है, मर्डर केसेस है। एक सीएम बलूचिस्तान से लेके इस मुल्क का पहला खातून वजीर आजम तक कत्ल के केसेस है उसके खिलाफ जवाबदेह है। No one is above the law. There has to be equal law for everybody in Pakistan. और उसने जवाब देना है।